नमस्कार, एंशंट इंडियन एंड एशियन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सातवाहन वंश की। मौर्यों के पतन के बाद क्रमशः सुंग वंश, कर्ण वंश और फिर सातवाहन वंश के राजाओं ने शासन किया। शुरुआत में सातवाहन साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र में ही सीमित था, परंतु धीरे धीरे इन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में किया, जिसके कारण ये आंध्र सातवाहन भी कहलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सातवाहन राजाओं की, उनकी उपलब्धियों की तथा सातवाहन साम्राज्य के प्रशासन, समाज, धर्म, आर्थिक जीवन और उनके कला तथा साहित्य की। सबसे पहले बात करते हैं सातवाहन वंश की जानकारी के स्रोतों की। तो ये साक्ष्य पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही हैं। साहित्यिक स्रोतों की अगर बात करें तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गाथा सप्तसती, का तंत्र, वृहत कथा और मनुस्मृति से हमें सातवाहनों की जानकारी मिलती है। पुराणों में इन्हें आंध्र जातीय कहा गया है, जिससे यह पता चलता है कि जिस समय पुराणों का संकलन हो रहा था, सातवाहनों का शासन आंध्र प्रदेश में सीमित था। मत्स्य पुराण में इस वंश के कुल 30 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया था। सातवाहनों के इतिहास पर विद्वानों के विवरणों से भी काफी प्रकाश पड़ता है। इनमें प्लीनी, टॉलमी तथा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक के विवरण महत्वपूर्ण हैं। पेरिप्लस के लेखक, जिनका नाम पता नहीं है, उन्होंने पश्चिमी भारत के बंदरगाहों का स्वयं निरीक्षण किया था तथा वहां के व्यापार वाणिज्य का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था। लेखकों के विवरण सातवाहन कालीन पश्चिमी भारत के व्यापार तथा शकों के साथ उनके संघर्ष के बारे में बताते हैं। यह भी पता चलता है कि सातवाहनों का पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, जो समुद्र के माध्यम से होता था। यूरोपीय देशों से मालवाहक जहाज भूमध्य सागर, नील सागर, फारस की खाड़ी तथा अरब सागर से होकर हमेशा भारत पहुंचते रहते थे। पश्चिमी तट पर भणोज इस काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसे यूनानी लेखक बेरी गाजा कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की यदि हम बात करें तो काफी सारे अभिलेख और सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, जिनसे सातवाहन राजाओं की जानकारी मिलती है। जैसे कि नागनिका का नाना घाट का अभिलेख, जो महाराष्ट्र के पूना जिले में स्थित है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख, गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का नासिक गुहालेख और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का ही कार्ले गुहालेख और यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख तथा सिक्के। ये सभी लेख ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नागनिका के नासिक लेख से सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का पता चलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के लेखों से उनके व्यक्तित्व व विजयों का पता चलता है। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व 1 शताब्दी के हैं। अभिलेखों के साथ साथ विभिन्न स्थानों से सातवाहन राजाओं के बहुसंख्यक सिक्के भी प्राप्त किए गए हैं। सिक्कों के अध्ययन से उनके राज्य विस्तार, धर्म तथा व्यापार की प्रगति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नासिक के जोगल थम्बी नाम के स्थान से शक शासक नहपान के सिक्कों का एक मृद भांड मिला है। ये सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा दोबारा अंकित कराए गए हैं। इससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। यज्ञश्री सातकर्णी के एक सिक्के पर जलपोत के चिन्ह उत्कीर्ण है। इससे पता चलता है कि समुद्र के ऊपर उनका अधिकार था या सामुद्रिक व्यापार उनके नियंत्रण में था। सातवाहनों के सिक्के शीशा, तांबा व मिश्रित धातु में ढलवाए गए थे। इन सिक्कों पर वृष, हाथी, सिंह, घोड़े, पहाड़, जहाज, चक्र, स्वस्तिक, कमल आदि का अंकन दिखाई पड़ता है। सातवाहनों के अनेक चैत्य एवं विहार नासिक, कार्ले, भाजा आदि स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, जिनसे तत्कालीन कला एवं स्थापत्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं सातवाहन वंश के राजाओं की। तो इस वंश में कई सारे राजा हुए, पर उनमें जो प्रमुख और प्रसिद्ध राजा हुए वे थे सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, जिन्होंने
कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन साम्राज्य की नींव रखी। पुराणों के अनुसार इन्होंने 23 वर्षों तक शासन किया, 230 से 207 BC। हालांकि इनके तिथि के विषय में विवाद है। संभवतः इन्होंने कण्वों से विदिशा के आसपास का क्षेत्र जीत लिया था। सिमुक के नाम का उल्लेख नानाघाट चित्रफलक अभिलेख में भी मिलता है, जिसमें इन्हें राजा सिमुक सातवाहन कहा गया है। जैन गाथाओं के अनुसार इन्होंने जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। सिमुक के बाद इनका छोटा भाई कण्व राजा बना, क्योंकि सिमुक का बेटा अवयस्क था। कण्व या कृष्ण ने अपना साम्राज्य नासिक तक बढ़ाया। इसके बाद शातकर्णी प्रथम राजा बने, जो इस वंश के सबसे पहले महान राजा थे। इसलिए इन्हें सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने अंगीय कुल के महारथी त्रणकैरों की पुत्री नागनिका या नायनिका के साथ विवाह कर अपना प्रभाव बढ़ाया। इनकी उपलब्धियों का ज्ञान नायनिका के नासिक अभिलेख से होता है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ किया था। इन्होंने गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पैठन को अपनी राजधानी बनाई। इनका राज्यकाल बहुत लंबा नहीं होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये पहले राजा हुए जिन्होंने सातकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया था। नानाघाट शिलालेख के अनुसार इन्होंने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया। पश्चिमी मालवा के साथ साथ नर्मदा घाटी के क्षेत्र तथा विदर्भ प्रदेशों को भी जीत लिया। सातकर्णी प्रथम ही वे शासक हैं जिनका उल्लेख सांची स्तूप के तोरण में हुआ है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि इनके समय में मध्य भारत सातवाहनों के अधिकार में था। अपने छोटे से राज्यकाल में वे सम्राट बन गए तथा दक्षिण पथपति तथा अप्रतिहत चक्र आदि उपाधियां इन्होंने धारण की। इन्होंने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। इनका शासनकाल भौतिक दृष्टि से समृद्धि एवं संपन्नता का काल था। इनकी विजयों के फलस्वरूप गोदावरी घाटी में प्रथम विशाल साम्राज्य का उदय हुआ, जो शक्ति तथा विस्तार में सुंग व यवन साम्राज्य की बराबरी कर सकता था। पेरिप्लस में इन्हें एल्डर सेरागोनस कहा गया है, जिसके काल में सोपारा तथा कल्याण के बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो गए थे। नानाघाट के लेख में इनके 2 पुत्रों का नाम है, वेदश्री तथा शक्तिश्री, पर दोनों ही छोटे थे, इसलिए सातकर्णी प्रथम की पत्नी नायनिका ने संरक्षिका के तौर पर शासन संभाला। सातवाहन राजाओं में एक राजा थे हाल, जो एक बड़े कवि तथा विद्वानों के आश्रय दाता थे। इन्होंने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की थी। इनके राज दरबार में कई विद्वान रहा करते थे, जैसे कि वृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य, जिन्होंने पैशाची प्राकृत भाषा में इसकी रचना की थी, और संस्कृत व्याकरण का तंत्र के लेखक सर्ववर्मन, ये भी राजा हाल के दरबार में रहा करते थे। अब बात करते हैं सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा की, जो इस वंश के 23वें शासक थे, गौतमी पुत्र शातकर्णी, 106 से 130 ईस्वी। अपने शासनकाल में इन्होंने न केवल अपने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, बल्कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की। कहा जाता है कि इन्होंने ईश्वर की घोर तपस्या की और अनेक वरदान प्राप्त किए। गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय तथा उनकी विजयों के बारे में उनकी माता गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेखों से संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें इनका वर्णन शक, हिंद यवन तथा पहलव शासकों के विनाशकर्ता के रूप में हुआ है। सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शक थे, जिन्होंने अपनी सत्ता दक्षिण व पश्चिम भारत में स्थापित की थी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इन्होंने शहरात वंश के शासक शक क्षत्रप नहपान की शक्ति को उखाड़ फेंका था। नहपान के साथ इनका युद्ध इनके शासनकाल के 18वें वर्ष में हुआ था। नासिक जिले के जोगलथंबी नामक स्थान से 1906 ईस्वी में 13,250 चांदी के सिक्कों का एक ढेर मिला है।
ये सारे सिक्के सक्षत्रप नहपान के थे, पर इनमें से अधिकांश सिक्कों को पुनः ढलवाया गया था और इस पे गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम उत्कीर्ण था। इससे यह पता चलता है कि इन्होंने नहपान को परास्त कर उसके सिक्कों पर अपनी छाप लगवाई थी और इस युद्ध में जीत कर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपरांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकुर, अकर तथा अवंती को नहपान से छीन लिया था। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त ऋषिक, कृष्णा नदी के तट पर स्थित ऋषिक नगर, अयमक, प्राचीन हैदराबाद राज्य का हिस्सा, मूलक, गोदावरी के निकट एक प्रदेश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, तथा विदर्भ, आधुनिक बरार क्षेत्र आदि प्रदेशों पर भी इनका आधिपत्य था। इनके प्रत्यक्ष प्रभाव में रहने वाला क्षेत्र उत्तर में मालवा तथा काठियाबाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन की उपाधि धारण की थी, जिसे यह पता चलता है कि इनका प्रभाव पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तक था। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में यह लिखा गया है कि उनके पुत्र के घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते थे। गौतमी पुत्र ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। इन्होंने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में नासिक में एक गुफा तपस्वियों को प्रदान की थी। इन्होंने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना भी की। ये शैव धर्मावलंबी थे, पर बौद्ध धर्म को भी इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने बौद्ध संघ को अजकालकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक गांव दान में दिए। साथ ही इन्होंने राजा राज तथा विंध्य नरेश की उपाधियां भी धारण की। इन्होंने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने को वेदों का संरक्षक एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहने में गौरवान्वित महसूस करते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद इनका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी राजा बने 130 ईस्वी से 154 ईस्वी। आंध्र प्रदेश पर विजय संभवतः पुलुमावी ने ही प्राप्त की थी, अतः इन्हें प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। इनके विषय में अमरावती से प्राप्त एक लेख से जानकारी मिलती है। इनके समय में ही अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेष्टिनी का निर्माण कर स्तूप को संवर्धित किया गया था। भारत के पश्चिमी क्षत्रप वंश के एक शक राजा थे रुद्रदामन। इनके विषय में विस्तृत जानकारी इनके जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख सबसे पहला विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश दक्षिण पथ स्वामी सातकर्णी को दो बार पराजित करने का विवरण मिलता है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को रुद्रदामन ने दो बार हराया था, पर बाद में दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। तो दक्षिणापथ स्वामी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को ही कहा गया है। पुराणों में इन्हें पुलोमा सातकर्णी कहा गया है और इन्होंने भी महाराज और दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की, जिसका उल्लेख अमरावती लेख में मिलता है। सातवाहन वंश के अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे यज्ञश्री सातकर्णी। इन्होंने शकों द्वारा जीते गए अपने भूभागों पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। इनके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में प्राप्त हुए हैं। ये व्यापार एवं जल यात्रा के प्रेमी थे। इनके सिक्कों पर जहाज या नाव के चित्र बने हुए हैं, जो इनके जल यात्रा व समुद्र व्यापार के प्रति प्रेम को दिखाते हैं। साथ ही कुछ सिक्कों पर मछली और शंख की भी आकृतियां मिलती हैं। यज्ञश्री की मृत्यु के पश्चात सातवाहन साम्राज्य टूटने लगा और यह अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। अब बात करते हैं सातवाहन काल में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की। सातवाहनों के समय में समाज में वर्ण व्यवस्था थी। समाज चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में बटा हुआ था। समाज में चारों वर्णों का कार्य बिना किसी संघर्ष के चल रहा था। शिक्षा, धर्म एवं शासन में ब्राह्मण प्रभावी भूमिका निभा रहे थे।
क्षत्रिय लोग सेना, सुरक्षा तथा युद्ध एवं बहादुरी के कार्यों में संलग्न थे। वैश्य कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व्यापार एवं आर्थिक कार्यों में संलग्न थे और शूद्र सेवा कार्यों तथा विविध प्रकार के शिल्प कार्यों में लगे हुए थे। वर्णों के अलावा समाज में कई वर्ग तथा श्रेणियां भी हुआ करते थे। लोग अपने अपने व्यवसायों एवं आजीविका के साधनों के आधार पर वर्गों में विभाजित थे, जैसे कि कृषकों को हलिक वर्ग, व्यापारी को सेठी, लुहार को कंगर, तेली को तिलपिशक तथा बढ़ई को बंधकी कहा जाता था। शिल्प और वाणिज्य में प्रगति के कारण इस काल में अनेक वणिक और शिल्पियों का उदय हुआ। शिल्पियों में गंधिक का नाम बार बार आता है। इत्र बनाने वाले को गंधिक कहा जाता था। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने कहा था कि उन्होंने विच्छिन्न होते हुए चार वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण शंकर को भी रोका था, लेकिन अब शकों और सातवाहनों के बीच खुद वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे थे। तब शकों का क्षत्रिय के रूप में ब्राह्मण समाज में प्रवेश आसान हो गया। इस काल में कई विदेशी तथा देशी जातियों ने बौद्ध धर्म स्वीकारा। बौद्ध भिक्षुओं ने जनजातियों का बौद्धिकरण किया। इस कार्य के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देकर प्रेरित भी किया गया। सातवाहन काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। सातवाहन राजाओं के नाम के साथ उनकी माताओं के नाम जुड़े होते थे और उनकी और अपनी माता के नाम के साथ अपना नाम घोषित करने में ये गर्व अनुभव करते थे। इस काल में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। कई रानियों ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बड़े बड़े धार्मिक दान दिए और साथ ही कई रानियों ने तो प्रतिशासक के रूप में भी कार्य किया। नायनिका, गौतमी बलश्री आदि ने पति के साथ शासन संचालन के कार्यों में भी भाग लिया। मतलब स्त्रियों को सामाजिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे, किंतु इससे यह अभिप्राय नहीं है कि सातवाहन समाज मातृ सत्तात्मक था। समाज पितृ सत्तात्मक ही था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी हमेशा पुत्र ही होता था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सातवाहन समाज मातृ सत्तात्मक था और केवल राजकुल अर्थात राज परिवार ही पितृ सत्तात्मक था। अब बात करते हैं सातवाहन काल के धार्मिक जीवन की। तो यह काल ब्राह्मण धर्म का उत्थान काल था। सातवाहन राजाओं ने वैदिक यज्ञ एवं अनुष्ठानों का खूब आयोजन किया। अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, दशरात्र यज्ञ, अप्तोरियम यज्ञ आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में राजाओं ने धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। इसी काल में सर्वप्रथम भूमि दान के प्रमाण भी मिलते हैं। ब्राह्मणों तथा श्रमणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहनों ने ही शुरू की थी। आम जनता भी यथा सामर्थ्य धर्म कर्म किया करती थी। दान पुण्य, तीर्थ यात्रा एवं पवित्र जल में स्नान करना धर्म का हिस्सा माना जाता था और इस काल में गायों को भी पूजनीय समझा जाता था। सातवाहन राजाओं ने सहस्त्रों गायों का दान किया था, ऐसा अभिलेखों से पता चलता है। इस काल में बौद्ध धर्म भी खूब फला फूला। राजाओं ने बौद्ध संघों, विहार, चैत्य स्तूपों एवं भिक्षुओं को दान दक्षिणा एवं भूमि दान में दिए थे। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का बोलबाला था और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड और अमरावती नगर बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। अब बात करते हैं सातवाहनों के प्रशासन की। तो इन्होंने मौर्य राजाओं के आदर्श पर ही अपने प्रशासन का संगठन किया था। शासन का सर्वोच्च राजा होते थे। राजा की सहायता के लिए अमात्य तथा महाअमात्य नामक पदाधिकारियों का एक वर्ग होता था। सातवाहनों के प्रशासन में कुछ खास सैनिक और सामंतिक लक्षण भी पाए जाते हैं। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक नामक अधिकारी को सौंपा जाता था। गौलमिक एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक हुआ करते थे। सातवाहनों के अभिलेखों में कटक और स्कंधावार जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। संभवतः ये सैनिक शिविर होते थे और ये तब तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे जब तक कि वहाँ राजा स्वयं रुकते थे। सातवाहन राज में सामंतों की 3 श्रेणियां होती थी। पहली श्रेणी का सामंत महारथी कहलाता था और उसे सिक्का ढालने का अधिकार था। दूसरी श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था
और तीसरी श्रेणी को सेनापति कहते थे। स्थानीय शासन ज्यादातर सामंती ही चलाते थे। कार्ले तथा कन्हेरी के लेखों में महारठी तथा महाभोज का उल्लेख मिलता है। ये सभी बड़े सामंत थे तथा इन्हें अपने क्षेत्रों के निमित्त सिक्के उत्कीर्ण करवाने का अधिकार था। सामंती व्यवस्था की शुरुआत सातवाहनों ने की थी। सामंती व्यवस्था में राजा अपने राज कर्मचारियों को वेतन के बदले में भूमि दिया करते थे। संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा होता था तो उस संपूर्ण भूमि से राजा कुछ गांवों की जागीर अलग अलग राज कर्मचारियों को वेतन के रूप में दिया करते थे और धीरे धीरे राजा की भूमि कम होते चली जाती थी और उसके उच्च राज कर्मचारियों की भूमि साल दर साल बढ़ती चली जाती थी। तो इसके कारण ज्यादा भूमि का स्वामित्व जिस व्यक्ति के पास होता था वही शक्तिशाली बन जाता था और राजा कमजोर पड़ने लगता था। तो ये थी सामंती व्यवस्था। सामंतों के अलावा कुछ अन्य पदाधिकारी भी होते थे, जैसे कि भंडागारिक कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, रज्जुक राजस्व विभाग प्रमुख को कहते थे, पनीय घरक जल आपूर्ति का प्रबंधक, कर्मांतिक भवन निर्माण की देखरेख करने वाला। मतलब इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में मौर्यों का ही अनुकरण किया था। प्लिनी के अनुसार आंध्र राज्य की सेना में 1,00,000 पैदल सैनिक, 2,000 घुड़सवार और 1,000 हाथी थे। उत्तर भारत के संपर्क में आने से इन लोगों ने पकी ईंट, छल्लेदार कुआं, लेखन कला आदि का इस्तेमाल सीख लिया था। दूसरी सदी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं भी इस जगह पाए गए हैं। जमीन के अंदर बनी ढकी हुई नालियां भी मिली हैं, जिनसे गंदा पानी गड्ढों में जमा हो जाता था। प्लिनी के अनुसार पूर्वी दक्कन में आंध्र देश में बहुत सारे गांवों के अलावा दीवार से घिरे हुए 30 नगर भी थे। सातवाहन राजाओं ने ग्रंथों में निहित नियमों के अनुसार ही अपनी प्रजा पर कर लगाया था। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी एक आदर्श प्रशासक थे। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो इस काल में कृषि एवं व्यापार दोनों की खूब उन्नति हुई थी। इस काल के लोग धान की रोपनी जानते थे और शुरू की 2 शताब्दियों में कृष्णा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र, खास तौर पर दोनों नदियों के मुहाने का क्षेत्र चावल का एक विशाल उत्पादन भंडार हो गया था। खेतिहर किसान को हलिक कहा जाता था और कृषि के साथ ही पशुपालन भी किसानों का व्यवसाय था। नासिक अभिलेख में अनेक व्यवसायियों का भी उल्लेख मिलता है। बढ़ई, लुहार, कुम्हार, बुनकर, ठठेरा बर्तन बनाने वाले, तेलियों, गंधिकों जो कि इत्र व्यवसायी होते थे, मछुआरों, स्वर्णकारों आदि के उल्लेख मिलते हैं। इनके अपने व्यवसायिक संगठन होते थे जिन्हें वर्ग या श्रेणियां कहा जाता था। सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल के लौह अयस्कों का उपयोग किया होगा क्योंकि इन दोनों स्थानों में लोहे की खदानें थीं। कोलार क्षेत्र में प्राचीन स्वर्ण खदान होने के साक्ष्य भी मिले हैं। सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा क्योंकि इनके सिक्के अधिकांशतः सीसे के हैं जो दक्कन में पाए जाते हैं। उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलवाईं। इस काल में दक्षिण भारत में भारी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले हैं जिससे कि बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। सातवाहन काल में राजकीय भाषा प्राकृत थी तथा लिपि ब्राह्मी थी। प्राकृत के साथ साथ संस्कृत भाषा का विकास भी इस काल में हुआ था। इस काल की सर्वश्रेष्ठ साहित्य कृति प्राकृत भाषा में लिखी गई गाथा सप्तशती है, जिसे सातवाहन राजा हाल ने लिखा था। प्राकृत में ही गुणाढ्य की वृहत कथा एवं संस्कृत में सर्ववर्मन का संस्कृत व्याकरण ग्रंथ का तंत्र अमर कृतियां हैं। इस काल में धार्मिक एवं समाजोपयोगी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। विद्वानों का मानना है कि सातवाहन काल में संभवतः विविध शिल्पों की भी शिक्षा दी जाती होगी। और अब बात करते हैं वास्तुकला की। तो सातवाहन काल में पश्चिम एवं दक्षिण भारत में कला का सर्वांगीण विकास हुआ। इस काल में स्तूप, चैत्य विहार तथा पत्थर की कलाकृतियां खूब देखने को मिलती हैं। सातवाहन काल में चट्टानों को काट काट कर अनेक चैत्य एवं विहार बनाए गए थे। पश्चिमी दक्कन में कार्ले का चैत्य प्रसिद्ध है जो लगभग 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है।
चैत्यों के पास ही विहार भी बनवाए गए थे जिनमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। नासिक में 3 विहार हैं जो ईसा की पहली दूसरी शताब्दियों के हैं। इन विहारों में नहपान तथा गौतमी पुत्र के अभिलेख हैं। शिलाखंडीय वास्तुकला आंध्र में कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी पाई जाती है और यह क्षेत्र बौद्ध संरचना के लिए प्रसिद्ध है। अमरावती और नागार्जुन कोंड के स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था, पर ईसा की दूसरी सदी के उत्तरार्ध में यह पूर्ण रूप से तैयार हो पाया। इसका गुंबद नीम के आर पार 53 मीटर है और इसकी ऊंचाई 33 मीटर लगभग है। अमरावती का स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है और इसमें भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य उत्कीर्ण कराए गए हैं। नागार्जुन कोंड में लगभग 2 दर्जन विहार दिखाई पड़ते हैं जो सातवाहनों के सामंत इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने बनवाए थे। कन्हेरी में एक चैत्य गृह एवं अनेक विहारों का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। भाजा पुणे महाराष्ट्र में इस काल में चैत्य विहार एवं 14 छोटे छोटे स्तूप बने थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सातवाहन साम्राज्य की। धन्यवाद।